अब अपन क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंसीडर ए सेक्शन, कंसीडर ए सेक्शन एक्स एक्स, कंसीडर ए सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स, एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस एक्स, ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सपोर्ट ए, फ्रॉम सपोर्ट ए एंड गेट एम एक्स, एंड गेट एम एक्स, एम एक्स अपन निकाल लेंगे, ठीक है। देखो यहां पे यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, आर ए आर ए ये हो जाएगा, एच ए यहां पे लगा हुआ है, यूडीएल डब्लू किलोन्यूटन पर मीटर, यहां पे लगा हुआ है यूडीएल डब्लू किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। एक्स एक्स सेक्शन अपन कंसीडर करते हैं, एक्स एक्स सेक्शन अपन कंसीडर कर लेते हैं, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से, एक्स आपकी डिस्टेंस होगी एक्स एक्स सेक्शन की फ्रॉम सपोर्ट ए, ए सपोर्ट से अपन क्या करेंगे, एक्स एक्स सेक्शन कंसीडर करेंगे, और उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से, एक्स डिस्टेंस हो जाएगी, एंड गेट एम एक्स। अब देखो एम एक्स अपन कैलकुलेट करते हैं यहां से, एम एक्स कितना हो जाएगा आपका, एम एक्स इक्वल टू आर ए इंटू में तो एक्स हो जाएगा, प्लस आर ए इंटू में एक्स, प्लस आर ए इंटू में एक्स हो गए। अब देखिए यहां पे प्लस आर इंटू में एक्स, इसके बारे में देखो माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, एंटी क्लॉक जाएगा इसके अबाउट में, और ये देखो एच ए इंटू में वाई, एच ए का ये डिस्टेंस कितनी है यहां से, ये डिस्टेंस वाई, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट पी के, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स इंटू में वाई, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एच ए इंटू में वाई, माइनस एच ए इंटू में वाई, माइनस एच इंटू, तो ये आपका एम एक्स हो गया, ठीक है। अब यार यहां पे ये देखिए ना, ये आपका सेंट्रल राइज है, ये आपकी एच दी हुआ है यहां से। अब देखो जो सेक्शन लिया ना, अब यार ये सेमी सर्कुलर है ना, तो इस सेमी सर्कुलर को अपन क्या करते हैं, थीटा की टर्म में मोमेंट और शेयर फोर्स अपन लिख लेते हैं, वो पता लग जाएगी सेंटर से। जैसे ये सेक्शन अपन यहां से एक्स एक्स डिस्टेंस पे है ना, तो सेंटर से मान लेता हूं ये जो सेक्शन अपन ने लिया ना वो कितना है, थीटा एंगल पे है, क्योंकि देखो आप अगर सेक्शन यहां लोगे तो आपका थीटा ये हो जाएगा, सेक्शन यहां लोगे थीटा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां लोगे थीटा आपका ये हो जाएगा, है ना। तो थीटा के टर्म में अपन लिखना चाह रहे हैं, तो ये आर थीटा। अब यहां पे देखो वाई किसके बराबर हो गया, आर का कंपोनेंट ले लो, इधर कितना हो गया आर, आर ये पूरा आर है ना, ये तो आर साइन थीटा हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया आपका, आर वाई इक्वल टू आर, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, r साइन थीटा। अब देखिए आप x इक्वल टू कितना होगा आपका, x इक्वल टू यहां से यहां तक पूरा कितना r है ना, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, r cos थीटा, x कितना हो जाएगा r माइनस r cos थीटा,
एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर अपन कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस थीटा, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये आपकी एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो एम एक्स देखो, एम एक्स कितना आ रहा है आपका, आर इंटू में एक्स, एम एक्स आपका कितना आ रहा है, आर इंटू में एक्स, एम एक्स ये आ रहा है ना आपका प्लस आर ए इंटू में एक्स माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू, उसके बाद माइनस एच इंटू में वाई, माइनस एच इंटू में वाई, माइनस एच इंटू में वाई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एम एक्स। अब देखो थीटा की टर्म में अपन लिख रहे हैं ना, तो आप एक्स और वाई की जगह थीटा वाली इक्वेशन आप पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो आर ए की वैल्यू कितनी है, डब्लू आर, एक्स कितना आपका आर माइनस आर कोस थीटा, तो आर माइनस आर कोस थीटा माइनस डब्लू बाई डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस डब्लू बाई टू, माइनस डब्लू बाई टू, हाँ माइनस डब्लू बाई टू, इसको बाहर ले लिया। एक्स आपके कितना है, एक्स को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, आर को बाहर ले लेता हूँ, आर स्क्वायर, ये अंदर क्या बच गया, वन माइनस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस एच ए आपका कितना आ गया, एच ए, एच ए आपका कितना आया था अभी, एच ए निकालता ना अपन ने, एच ए की वैल्यू कितनी, डब्लू आर बाई टू माइनस डब्लू आर बाई टू इंटू में आर साइन थीटा हो जाएगा ना, ये वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, मैं और लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, उधर से नहीं दिख रही, तो एम थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, डब्लू इंटू में आर इंटू में आर माइनस आर कोस थीटा माइनस डब्लू आर स्क्वायर बाई टू, वन माइनस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस डब्लू आर स्क्वायर बाई टू इंटू में क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, एम थीटा देखो थीटा भी कितना हो जाएगा, आर को अपन ने बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा, डब्लू आर स्क्वायर वन माइनस कोस थीटा माइनस डब्लू आर स्क्वायर बाई टू, वन माइनस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस डब्लू आर स्क्वायर बाई टू इंटू में साइन थीटा, ये आपका आ गया थीटा की टर्म में। अब देखो जिनका स्क्वायर है ना उनका अपन स्क्वायर कर देंगे, ये डब्लू आर स्क्वायर वन माइनस कोस थीटा हो जाएगा ये, तो अब यहां देखो ना डब्लू आर स्क्वायर बाई टू, यहां से डब्लू आर स्क्वायर बाई टू कॉमन आ रहा है, देखो हर जगह से डब्लू आर स्क्वायर बाई टू कॉमन आ रहा ना यहां से, तो डब्लू आर स्क्वायर बाई टू को अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, एम थीटा देखो कितना हो जाएगा आपका, एम थीटा इक्वल टू डब्लू आर स्क्वायर बाई टू को अपन क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे डब्लू आर स्क्वायर बाई टू को, है ना। अब देखो अंदर क्या बच जाएगा, मैं इसको स्क्वायर खोलने के बाद वाली टर्म लिख रहा हूँ, टू माइनस टू कोस थीटा, टू माइनस टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू कोस थीटा प्लस टू कोस थीटा, ये हो जाएगा आपका एम थीटा कितना हो जाएगा आपका, डब्लू आर स्क्वायर बाई टू। अब देखो यहां पे माइनस टू कोस थीटा और प्लस टू कोस थीटा तो कैंसल आउट हो गए ना यार, ये कैंसल आउट हो गए दोनों। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बच गया, यहां से दो और एक, यहां से तो एक बच गया, तो वन माइनस साइन थीटा, यहां क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा, एम थीटा देखते हैं अपन, डब्लू आर स्क्वायर बाई टू,
इंटू वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा। अब देखो इनको अपन है ना, ये तो आपके क्या हो गया, वन माइनस साइन थीटा है ना, तो अपन इसको क्या लिखते हैं, ये तो हो गया वन माइनस साइन थीटा माइनस, देखो कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी यार, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, दोनों का सम वन होता ना, तो मैंने ये लिख दिया। तो एम थीटा, देखो एम थीटा कितना हो गया आपका, डब्लू आर स्क्वायर बाई टू, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा माइनस वन प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये साइन वन माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो कितना आ गया, साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ तो, नहीं भी लेता हूँ तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एम थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका, एम थीटा इक्वल टू डब्लू आर स्क्वायर बाई टू, डब्लू आर स्क्वायर बाई टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये ना, अपन जीरो से नब्बे डिग्री पे अपन क्या बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपन ड्रॉ करेंगे जीरो से नब्बे डिग्री का। अब देखो जीरो से नब्बे डिग्री का अपन ड्रॉ करेंगे ना यार, तो आप खुद देखो यार, जीरो से नब्बे डिग्री का ड्रॉ करेंगे ना डायग्राम, तो थीटा आपका जीरो से नब्बे ही रहेगा, तो साइन थीटा जीरो से एक के बीच ही रहेगा, तो ये वैल्यू का और स्क्वायर कर रहे हैं अपन, है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ये बड़ी है, तो आपका माइनस मिलेगी ये वैल्यू माइनस में, तो इसको प्लस में बढ़ाने के लिए अपन पहले से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एम थीटा देखो कितना हो जाएगा आपका, माइनस डब्लू आर स्क्वायर बाई टू इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे अपन, एट थीटा इक्वल टू जीरो पे मोमेंट कितना हो जाएगा आपका, जीरो, एट थीटा इक्वल टू जीरो पे मोमेंट, देखो आई एम नॉट लिख रहा हूँ मैं, थीटा जीरो पुट करो यहाँ पे इस इक्वेशन में, क्या पुट करो इसमें, थीटा जीरो पुट कराना, तो साइन जीरो कितना होता आपका, जीरो, और ये भी जीरो, तो कितना मोमेंट आएगा आपका, जीरो। अब थीटा इसमें पुट करो और वैल्यू आप पुट करो, पाई बाई टू पुट करो आप, थीटा आपने 90 डिग्री इसमें पुट करा है, कितनी वैल्यू आएगी आपकी, थीटा 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है आपका, वन होता है, और ये भी वन, तो इस पे भी आपका एम 90 पे भी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, जीरो, मतलब जीरो डिग्री 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, जीरो आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, जीरो वैल्यू आ रही है यहाँ पे। अब देखो अब मैक्सिमम देख लेते अपन की मैक्सिमम कहाँ मिलेगा अपने को, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट, मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू अपन देखते हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट, अब देखो उसको अपन क्या करेंगे, डीएम ओवर डी थीटा कर देंगे और जीरो के बराबर इसको पुट कर देंगे, तो डीएम ओवर डी थीटा, डीएम ओवर डी थीटा इक्वल टू देखो माइनस डब्लू आर स्क्वायर बाई टू, ये क्या था, माइनस डब्लू आर स्क्वायर बाई टू, माइनस डब्लू आर स्क्वायर बाई टू तो बाहर था, अब देखो अंदर वाली जो टर्म था ना, हाँ ये देखो साइन थीटा का तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ये साइन थीटा का तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस, यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा, मतलब अक्स स्क्वायर का क्या होता है, टू अक्स, तो टू साइन थीटा,
और फिर अक्स जिसको माना उसका करते हैं, तो कोस थीटा टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी इसकी हो जाएगी इक्वल टू, क्या करना है अपने को, जीरो करना है मैक्सिमा के लिए। तो इन दोनों में से ये तो, या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, तो ये तो जीरो होगा नहीं, ये वैल्यू आपकी जीरो है। तो कोस थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए दोनों। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना बच गया आपका, आधा, हाफ। आधा कहाँ पे आता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे। इसका मतलब क्या है कि 30 डिग्री पे वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। सो एट 30 डिग्री, सो एट थीटा इक्वल टू सो एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री वी विल गेट मैक्सिमम, वी विल गेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्या मिलेगा अपने को, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे। क्या मिलेगा अपने को, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अपने को मिल जाएगा थीटा 30 डिग्री पे। अब देखो यहां पे, शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स, शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स, एक्स एक्स सेक्शन पे अपन क्या करते हैं, शियर फोर्स की बात कर अपन रखते हैं। शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स, एक्स एक्स सेक्शन पे अपन शियर फोर्स निकालेंगे। तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वही एक सेक्शन कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट बना लेते हैं आगे में ना। ये आपका ए सपोर्ट है, ये आपका ए सपोर्ट है, यहां पे आपका यूडीएल लगा हुआ है, आर ए और ये हो जाएगा एच ए। आर ए और एच ए सपोर्ट रिएक्शन आपकी आर ए और एच ए है यहां पे, ठीक है। आर ए और एच ए के आपकी सपोर्ट रिएक्शन है। अब देखो यहां पे, ये आपका आर्थ लाइन होगी, ये आर्थ लाइन आपकी ऐसे ऐसे जा रही है, ये देखो कितना हो जाएगा आपका एच एक्स हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा आपका वी एक्स हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये आपका एस एक्स शियर फोर्स है, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा। तो शियर फोर्स निकलेंगे अपन तो क्या लिखेंगे, वी एक्स कोस थीटा। ये सेक्शन लिया अपन ने कहां पे लिया है, एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन लिया अपन ने, ये क्या आपका वाई डिस्टेंस है। एस एक्स की बात करते हैं अपन, एस एक्स आपका कितना हो जाएगा, एस एक्स की बात करते हैं, एस एक्स देखो वी एक्स कोस थीटा, वी एक्स कोस थीटा माइनस एच एक्स साइन थीटा, ये आपका एस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं वी एक्स क्या है यहां पे और एच एक्स कितना आएगा। तो वी एक्स के लिए देखो आप, वी एक्स इस सेक्शन तक, वी एक्स नीचे आ रहा है माइनस आर ए प्लस डब्ल्यू एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। Vx माइनस आर ए प्लस डब्ल्यू एक्स इंटू में जीरो जाएगा यहां पे। तो Vx कितना हो जाएगा आपका, आर ए माइनस डब्ल्यू एक्स, Vx आपका हो जाएगा आर ए माइनस डब्ल्यू एक्स आपका Vx हो जाएगा, Vx आपका हो जाएगा आर ए माइनस डब्ल्यू एक्स हो जाएगा।
अब देखते हैं अपन। अब यहाँ पे देखो ये वीएक्स आ गया आपका, अब यहां पे देखिए आप एस इक्वल टू क्या होता है, सीएल फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका डीएम ओवर डीएक्स, सीएल फोर्स क्या होता है आपका डीएम ओवर डीएक्स होता ना। देखिए यहां पे देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, सीएल फोर्स कितना है आपका डीएम ओवर डीएक्स, ये आपका सीएल फोर्स। अब देखो एम एम के लिए आप इक्वेशन निकाल चुके हो तो उसको आप ना डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो दो तरीके से करेंगे अपन इसको, आप डायरेक्टली जैसे एम के लिए इक्वेशन लिख चुके हो ना उसको आप है ना डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो आप है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो एस मान लो अगर शेयर फोर्स ही है ना आपको तो डीएम ओवर डीएस, अब डीएस आपका अक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, ये जनरल इक्वेशन है। एस में शेयर फोर्स में और मोमेंट में क्या आपकी जनरल इक्वेशन है, ठीक है। एस इक्वल टू डीएम ओवर डीएस। अब देखो एम थीटा कितना था आपका माइनस डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई टू इंटू साइन थीटा माइनस इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई टू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एस देखो क्या होता है एस इक्वल टू डीएम ओवर डीएस होता है ना। अब देखो यहाँ पे एस में थीटा में इनमें क्या रिलेशन है, तो यहाँ देखिए आप एंगल क्या होता है आपका, ये बच्चों ने आपने पढ़ा होगा एंगल इक्वल टू क्या होता है आर कपोन में रेडियस, एंगल इक्वल टू क्या होता है आपका आर कपोन में रेडियस होता है। तो यहां देखिए एंगल, एंगल कितना आपका यहां पे मैं डीएस क्रॉस सेक्शन पे मान लो मैं डीएस ले रहा हूं ना, यहां पे कितना ले रहा हूं मैं डीएस, तो डी थीटा एंगल आर कितना हो जाएगा आपका डीएस और रेडियस कितनी है आपकी आर, तो मैं डीएस की जगह क्या रख दूं आर इंटू में डी थीटा रख दूं, ऐसा रख सकता हूं ना डीएस इक्वल टू आर इंटू में डी थीटा। तो यहां से देखो एस इक्वल टू क्या हो गया आपका एस इक्वल टू डीएम ओवर आर इंटू में डी थीटा, तो डीएम ओवर डी थीटा कितना हो गया आपका आर इंटू में, तो डीएम ओवर डी थीटा कितना हो गया आपका एस कहां पे थीटा एंगल पे ना थीटा इंटू में आर। अगर मुझे देखो ये रिलेशन आ गया आपका डीएम ओवर डी थीटा इक्वल टू एस थीटा इंटू में आर, अगर मुझे एस थीटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा वन अपॉन में आर, अगर मुझे क्या चाहिए एस थीटा चाहिए ना मुझे तो वन अपॉन में आर डीएम ओवर डी थीटा कर दूंगा, वन अपॉन में आर डीएम ओवर डी थीटा कर दूंगा यहां पे। वन अपॉन में आर डीएम ओवर डी थीटा ये अपन कर देंगे। अब देखो अगर मुझे एस सी है ना तो एस सी है तो मैं क्या करूंगा कुछ नहीं वन अपॉन में आर कर दूंगा, अगर एस थीटा मुझे चाहिए ना तो मैं क्या करूंगा वन अपॉन में आर ऑफ डीएम ओवर डी थीटा कर दूंगा, बस सिंपल है इतना मैं कर दूंगा, ये आ रहा था ना। हाँ अब देखिए यहां पे एस थीटा वन अपॉन में आर डीएम ओवर डी थीटा की इक्वेशन कितनी आ रही थी अपनी, ये डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई टू तो बाहर था। अब यहां पे देखो डीएम ओवर डी थीटा अपन ने करा था, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी है? शेयर फोर्स को अपन क्या करेंगे यहां पे डीएस ओवर डी थीटा ना, हाँ तो कितनी वैल्यू आ गई डीएम ओवर डी थीटा की कोस थीटा माइनस टू साइन थीटा, कोस थीटा कोस थीटा माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी शेयर फोर्स की। तो देखो ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी आर सी आर आपका कैंसिल आउट हो गया ना, तो एस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डब्ल्यू आर बाई टू माइनस डब्ल्यू आर बाई टू इंटू कोस थीटा माइनस, इसको मैं ऐसे लिख दूं टू साइन थीटा कोस थीटा ना, तो साइन टू थीटा लिख सकता हूँ ना इसको,
अब देखो ये तो शेयर फोर्स की इक्वेशन बन गई अपनी। अब देखो अपन क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स, शेयर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, डीएस थीटा ओवर डी थीटा, डीएस थीटा, डीएस थीटा ओवर डी थीटा कितना हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू आर बाई टू, माइनस डब्ल्यू आर बाई टू, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस टू कोस टू थीटा, ये हो जाएगा ना। चलिए इक्वल टू क्या कर देंगे अपन, इसको जीरो के बराबर रख देंगे ना इस इक्वेशन को। तो देखो यहां से साइन टू थीटा कितना हो गया आपका, साइन थीटा इक्वल टू सॉरी टू कोस टू थीटा हो गया। अब देखो ये जो दोनों एंगल कब बराबर होंगे, है ना, थीटा इक्वल टू 57 डिग्री पे, कहाँ पे बराबर होंगे, थीटा इक्वल टू 57 डिग्री पे। तो अगर मैं थीटा रखता हूँ कितना, जीरो डिग्री, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, तो कितनी वैल्यू आती है मेरे को शियर फोर्स की, शियर फोर्स कितना आएगा, माइनस डब्ल्यू आर बाई टू, इतना शियर फोर्स आएगा। अगर मैं रखता हूँ थीटा पाई बाई टू, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, अगर पाई बाई टू रखता हूँ ना तो एस की वैल्यू कितनी आएगी आपकी शियर फोर्स की, पाई बाई टू पे जीरो वैल्यू आएगी ना, है ना, रख के देख लेना उसकी इक्वेशन में। और थीटा पाई पे रखता हूँ मैं तो भी कितनी है, जीरो है ना, एट थीटा पाई, इस पे भी शियर फोर्स कितना आ रहा है आपका, जीरो आएगा, मतलब 57 डिग्री पे मैक्सिमम आ रहा है। तो देखो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा आपका, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बने ना तो ये आपकी आर्च है, 30 डिग्री पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, मान लो ये एंगल आपके कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। तीस डिग्री पे मैक्सिमम दिखानी ना अपने को, तो ये वैल्यू अपने मैक्सिमम दिखा दी 30 यहाँ पे, तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे, कहाँ मिल रही है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम की बात करता हूँ ना, तो शियर फोर्स डायग्राम देखो क्या कैसा बनेगा इसका, ये आपकी आर्च है, ये क्या आपकी आर्च है, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, थीटा जीरो पे माइनस डब्ल्यू आर बाई टू थी ना, तो ये बार अपन नेगेटिव को बना रहे हैं, तो माइनस डब्ल्यू आर बाई टू यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद में 57 है ना, ये वैल्यू हो गई। अब देखो उसके बाद में देखो क्या हो रही है, वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, जीरो भी हो रही है, फिर जीरो की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ भी रही है, ऐसा जो पोर्शन ऐसा इधर बन जाएगा। अब देखो मैक्सिमम कहाँ मिलती है, मैक्सिमम इस रीजन पे मैक्सिमम मिल रही है शेयर फोर्स की वैल्यू, यहाँ पे है ना जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा इक्वल टू 57 डिग्री है, तो 57 डिग्री पे आपको शेयर फोर्स कितना मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। ये तो नेगेटिव शेयर फोर्स हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव शेयर फोर्स है, तो ये आपका एसएफडी है, ये आपका एसएफडी है, आधे पोर्शन का एसएफडी है, आधे का सेम ऐसा ही इधर आपका बन जाएगा, ठीक है।